आई नो आप पिछले दो साल से बहुत सी न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ चुके हैं, मीडिया रिपोर्ट्स देख चुके हैं कि ABS और CBS अब सभी टू व्हीलर्स में इंडिया में कंपलसरी होने वाला है अप्रैल 2018 से, और इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन भी बना हुआ है लोगों के बीच में। और तीन मेजर कंफ्यूजन है। पहला कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, क्या वाकई में सभी टू व्हीलर्स पे ABS और CBS कंपलसरी होगा। नंबर टू कि अगर ये कंपलसरी होने वाला है तो उनका क्या होगा जिन्होंने अप्रैल 2018 से पहले मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदा है। नंबर तीन कंफ्यूजन ये है कि अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो फिर भी मैन्युफैक्चरर्स नॉन ABS और नॉन CBS प्रोडक्ट्स क्यों बेच रहे हैं। अगर आपको ये सभी कंफ्यूजन है तो आज मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं इस स्पेशल सेशन में। माय नेम इज विकास योगी एंड यू वॉचिंग ICN स्टूडियो। तो इससे पहले कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूं, आपको बेसिक फंक्शनैलिटी बता देता हूं ब्रीफली कि ABS या CBS कैसे काम करता है। शुरुआत करते हैं ABS से, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो जैसा कि नेम ही सजेस्ट करता है कि ये आपके व्हील्स को लॉकअप होने से प्रिवेंट करता है, लॉकअप नहीं होने देता है। और वो किस सिचुएशन में होता है, मान लीजिए आप पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हैं या फिर आपको हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ रही है किसी मोमेंट पे, तो उस वक्त एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका व्हील लॉकअप हो जाए। और अगर वो व्हील लॉकअप हो जाता है तो आपके एक्सीडेंट या इंजरी जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप लिटरली लॉकअप हो गए हैं तो आप व्हीकल को मूव नहीं कर सकते हैं। अगर ABS आपके व्हीकल में है तो वो आपकी रोटेशनल, जो व्हील्स की रोटेशनल स्पीड है, उसे मेजर करता रहता है या मॉनिटर करता रहता है हर वक्त। और किसी मोमेंट पे अगर उसे लगता है कि व्हील्स लॉकअप होने वाले हैं तो उसमें लगा जो हाइड्रोलिक वॉल्व्स हैं वो उसे डिटेक्ट करके या सेंस करके जो व्हील्स पे लगने वाला जो ब्रेक है वो अकॉर्डिंगली ब्रेक प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि व्हील लॉकअप ना हो और आपका मूवमेंट थोड़ा फ्री हो, व्हील्स भी इजीली मूव हो जाएं, आपका जो हैंडल बार है उसे भी आप इजीली स्टेयर कर पाए। अब बात करते हैं CBS की, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। यहां पर कॉम्बी से मतलब है कंबाइंड या फिर कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम। और इसकी फंक्शनैलिटी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है कि मान लीजिए अगर आप रियर ब्रेक प्रेस कर रहे हैं या रियर ब्रेक लगा रहे हैं तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएंगे। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इक्वलाइजर नाम की यूनिट भी होती है जो बेसिकली इस सिस्टम के ब्रेन के जैसे काम करती है। तो जैसे ही आप रियर ब्रेक लगाएंगे तो इक्वलाइजर फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स में ब्रेकिंग फोर्स को जितनी ज़रूरत है उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाए और स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे। अब ये जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम या CBS है, ये होंडा ने पेटेंट करवा रखा है। एंड बिफोर यू आस्क मी कि अगर होंडा ने इसे पेटेंट करवा लिया है तो बाकी मैन्युफैक्चरर्स इसे कैसे यूज करेंगे, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप टेक्नोलॉजी में, जो बेसिक टेक्नोलॉजी या मेथड है, उसमें कुछ ट्वीक करके आप पेटेंट करवा लीजिए, या फिर आप होंडा से सोर्स कर लीजिए। और मजे की बात यह है कि जो हीरो है, हीरो के पास ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी है जिसे वो IBS बुलाते हैं या फिर इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, और TVS के पास में SBS है जिसे कि सिंक ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। मोटी मोटी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है सभी सिस्टम्स की वो एक जैसी ही है। अब जब आपको ABS और CBS के बारे में ब्रीफली पता पड़ ही गया है कि ये दोनों कैसे काम करते हैं, तो आपको बता दूं कि जो 125 cc से कम वाली जितनी भी मोटरसाइकिल्स या स्कूटर्स हैं उसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम को मैंडेटरी किया गया है, जबकि जो 125 cc से ऊपर वाले जितने भी मोटरसाइकिल्स या स्कूटर्स होंगे उसमें ABS को कंपलसरी किया गया है। अब चलते हैं सवाल नंबर एक पर कि क्या सभी मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स में ABS और CBS अब देना जरूरी हो गया है। तो आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन के हिसाब से मार्च 31, 2018 के बाद में जितने भी मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स लॉन्च होंगे उनमें ABS या CBS का होना कंपलसरी है। जो भी नए मोटरसाइकिल्स होंगे उनमें इसका होना जरूरी है। मेरे वर्ड्स पर गौर फरमाइएगा कि नए मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स पर ABS या CBS का होना जरूरी है, मतलब अप्रैल 1, 2018 से लेकर आगे जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, अगर वो ऑल न्यू प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए ये कंपलसरी है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है। और इसी वजह से सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, वो अपने सभी, ऑलमोस्ट सभी मास प्रोडक्ट्स को
ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं बिना इन फीचर्स के। इसे बोलते हैं बिजनेस। दैट्स हाउ यू डू द बिजनेस इन इंडिया, वेरी स्मार्ट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और वो ये है कि मान लिया कि नई मोटरसाइकिल्स में तो आपको अप्रैल 2018 से ABS या CBS देना होगा, पर करंट मॉडल्स का क्या है? तो उसी नोटिफिकेशन ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि जो करंट मॉडल्स हैं या जो करंट लाइनअप है उसे भी अप्रैल 2019 से ABS और CBS के साथ बेचना जरूरी होगा। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जिन भी मैन्युफैक्चरर्स ने अप्रैल 2018 से पहले जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं उनके पास एक साल का और समय मिल गया है या छूट मिल गई है जिससे कि वो ABS या CBS अपने व्हीकल्स में इंक्लूड कर पाए। पर जैसे ही अप्रैल 2019 आएगा तब से सभी व्हीकल्स नए या फिर एग्जिस्टिंग उनमें ABS और CBS को ऑफर करना जरूरी हो जाएगा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन नंबर 3 या फिर डाउट नंबर 3। ये उन लोगों का है जिनके पास ऑलरेडी टू व्हीलर्स हैं और वो नॉन ABS या नॉन CBS हैं, तो क्या उन्हें भी ABS या CBS लगवाना होगा? तो इसका एक सीधा साधा सिंपल जवाब है अ बिग नो। नहीं, आपको ABS या CBS नहीं लगवाना होगा, ना ही मैन्युफैक्चरर आपके प्रोडक्ट्स पे ABS या CBS लगा के देंगे, क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन या ड्राफ्ट है वो अप्लाई होता है सीधे सीधे टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स या टू व्हीलर सेलर्स पे। पर फिर भी हमारा ये सजेशन है, आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर है कि अब से जब भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदें तो उसमें ABS या CBS हो तो वही प्रेफर करें। तो यहां होता है इस टॉपिक का दी एंड। मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी कंफ्यूजन्स थे ABS और CBS को लेकर मैं उन्हें दूर कर पाया हूं। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग में है जिस पर कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।